और अब मणिकचक में आग। आपको बता दें कि मणिकचक प्रखंड अंतर्गत नूरपुर लाल बथानी दक्षिण पारा क्षेत्र में भीषण आग लग गई। मणिकचक में एक घर में भीषण आग लग जाने से घर में रखा फर्नीचर, जरूरी सामान, नकदी और दस्तावेज भी जलकर राख हो गए। घटना मालदा के मणिकचक प्रखंड अंतर्गत नूरपुर लाल बथानी दक्षिण पारा क्षेत्र की है, जहां शनिवार रात एक घर में भीषण आग लग गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि दक्षिण पारा क्षेत्र में चांद मदन घोष के घर में शनिवार रात भीषण आग लग गई। उनके दो बेटे कारोबार के सिलसिले में उनके साथ विदेश में रहते हैं। घर में उनकी पत्नी और दादी रहती हैं। परिवार वालों को शक है कि घर में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही क्षण में घर जलकर राख हो गया, जिसमें कपड़े, खाने का सामान, नकदी, सोने के गहने और जरूरी दस्तावेज भी जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि परिवार के सदस्यों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग आग पर काबू पाने के लिए दौड़े। खबर मिलते ही पुलिस रात में ही मणिकचक थाना से मौके पर पहुंच गई थी। किसी के हताहत होने की खबर अभी तक नहीं मिली है। আমি শাশুড়ি এখানে দাঁড়িয়েছিলাম, আমার দেখি ধা ধা করে পুড়ছে। আমি চিৎকার করলাম কি আয় আয়, আমার বাড়িতে আগুন লেগে গেলো। আস্তে মাত্র সবটাই ঘর ধরতে চলে গেলো। আপ আগুন কীভাবে লাগলো আমি জানতেই পারিনি নিজে। 60,000 টাকা, 70,000 কি 60,000 টাকা ছিল, 60,000। আর তিন বা বেটা দাদন গেছিল, 60,000 টাকা দিয়ে গেছিলো আমাকে। ওটা টাকার তিন ভরি সোনা আর এই জিনিসপত্র সবটা পুড়ে গেছে। আমি বুঝিনি কি হবে। তারপরে কি হলো, আগুন কারণে হলো শরীরে পড়া আছে ওটাই আছে। কি চাইবো, যেটা সাহায্য দিবার সরকার থেকে দিবে, আমরা খাবো দাবো থাকবো। এটাই চন্দনা ঘোষ।